जो कहा सो किया। देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते, कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और आज 90 भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया, आज वो एक नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या उसकी एक पहचान दिलाई गई। अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गए, नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों, कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं, तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति के व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी। वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था।
यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा उस समय, पांच गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए, वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है वो, असामान्य यानी उसको सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते। लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले।